आज हम लोग लाई से चटपटा भुजा बनावल जाई जोन खाए में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा होला और हल्की फुल्की भूख मिटावे के लिए काफ़ी होला। तो यदि आप लोगन के ई वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो भुजा बनावे के लिए सबसे मुख्य सामग्री ई लाई है। तो सबसे पहले एक कटोरा हम यहाँ पर लाई ले लें, आपकी जितना भुजा बनावे के उतना लाई ले लें। इलाई बड़े आसानी से बाजार में मिल जाले, हमारे पास तो ये खिचड़ी के बच्चर लाई रह रही है। तो सबसे पहले इलाई के मुंह में डाल के देखें, यदि इलाई कुरकुरी ना है तो एक कढ़ाई में हल्का सा भून लें। जब इलाई कुरकुरी हो जाए तब एक भुजा बनाए तो आपका भुजा बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। पर हमारी लाई यहाँ पर कुरकुरी है तो यहाँ पर सबसे पहले हम चना दाल नमकीने में डाल देते हैं। आपके पास जौन भी नमकीन होगा कोई सा भी नमकीन आप में डाल सकीला। और यहाँ पर थोड़ा सा भुना चना डाल देवे के है, ये थोड़ी सा भुनी मूँगफली है। और अब यहाँ पर एक मध्यम आकार का महीन प्याज काट के डाल देवे के है। प्याज डाले से एकदम बाजार में जैसे हम लोग भुजा खाई ना जा वैसा बाजार वाले भुजा जैसे नहीं भुजा लगी। और यहाँ पर एक महीन हरी कटी मिर्च डाल देवे के है, तो तीखा आप अपने पसंद के अनुसार रखें। और यदि आपके पास फुल्की होगा तो यहाँ पर आप 2 से 3 फुल्की के तोड़ के डाल दें। फुल्की डाले से एक भुजा का स्वाद बहुत बढ़ जाला, बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट लगेला ये भुजा। अब यहाँ पर थोड़ी सा हरी धनिया का पत्ती डाल दें। हरी धनिया डाले के बाद यहाँ पर स्वाद के अनुसार काला नमक डाले के है, तो नमक आप सादा भी डाल सकती ना, लेकिन काला नमक डाले से ये भुजा का स्वाद और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाला। और काला नमक डाले के बाद यहाँ पर सबसे ज़रूरी सामग्री नींबू है, तो नींबू का रस थोड़ा सा भुजा पर निचोड़ दें। नींबू का रस भुजा पर निचोड़े से ये भुजा एकदम चटपटा बन के तैयार हो जाए। और अब ये सब सामग्री की बढ़िया से मिला लेवे के है। तो अब यहाँ पर ही हम लोग का भुजा पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। यदि आपके हल्की फुल्की भूख लगल है तो ये भुजा आपका भूख बढ़िया से मिटा सकेला और खाए में स्वादिष्ट भी होला, कोई नुकसान भी ना करेला। आशा है कि आप लोगन के ये भुजा का वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।